हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अब मसूर दाल को केवल खाने में ही इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आप इस दाल का प्रयोग अपनी स्किन की देखरेख में भी कर सकती हैं। दरअसल मसूर दाल में प्रोटीन की काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन युक्त पैक्स डेड स्किन सेल्स को निकालने के लिए अतिरिक्त स्किन को स्मूथ और चमकदार भी बनाते हैं। जब लाल मसूर दाल को अन्य हर्बल सामग्री में मिलाया जाता है तो इसकी क्षमता और भी अधिक बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, लाल मसूर दाल हर टाइप की स्किन के लिए लाभदायक होती है। तो आइए जानते हैं लाल मसूर की दाल से बने कुछ पैक्स के बारे में। अब दालों का प्रयोग सीधे ही फेस पैक में नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले दाल को पीसकर उसका पाउडर आपको बनाना है। इसके लिए आप कुछ मात्रा में दाल लेकर उसे बारीक पीस ले और किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख ले और ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करें। वही अगर आप दाल को पाउडर का इस्तेमाल बॉडी पैक के लिए करना चाहती है तो इसे हल्का दरदरा ही रहने दें। वैसे तो यह पाउडर आमतौर पर ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर आप मानसून के दौरान इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमी के कारण इसके खराब रहने की भी संभावना रहती है। इसलिए फेस पैक बनाने के लिए पहले एक बार दाल को पाउडर को चेक अवश्य कर लें। दाल और शहद। अगर आपके चेहरे पर डेड स्किन है या आपकी स्किन ड्राई है तो आपको दाल का प्रयोग शहद के साथ करना चाहिए। इस फेस पैक से स्किन सॉफ्ट और यूथफुल दिखेगी। पैक बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच मसूर दाल पाउडर में 1 चम्मच शहद अच्छे से मिलाइए। फिर चेहरे को साफ करने के बाद यह पैक अप्लाई करें और 15 मिनट ऐसे ही रहने दें। उसके बाद हल्के हाथों से रब करते हुए चेहरा साफ करें और इससे आपके चेहरे की डेड स्किन भी निकल जाएगी। दाल, दही और बेसन। आप मसूर दाल से उपटन बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपटन आपके रंग निखारने के साथ साथ आपके चेहरे को डार्क स्पॉट्स और मार्क्स को भी काफ़ी हद तक कम करता है। 1 चम्मच दाल में 1 चम्मच दही और 1 चम्मच बेसन और चुटकी भर हल्दी मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। अब इसे चेहरे पर लगाए और सूखने दें। जब यह पूरी तरह सूख जाए तब हाथों को हल्का गीला करके इसे स्क्रब करें। बाद में साफ पानी से चेहरा धो दे। इससे आप डेड स्किन लेयर तो निकलेगी ही, साथ ही एक्ने और सन टैन से भी छुटकारा मिलेगा। दाल और दूध। मसूर दाल को यदि दूध के साथ चेहरे पर अप्लाई किया जाए तो यह एक एक्सफोलिएशन का भी काम करता है। इसके लिए दाल के पाउडर में दूध मिलाकर उसे चेहरे पर लगाकर सूखने दें। जब वह पूरी तरह सूख जाए तब उसे हल्के गीले हाथों से सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हुए साफ करें। यह पैक आपकी स्किन को काफ़ी जवां दिखाता है और इसलिए यदि आपकी स्किन पर डेड स्किन सेल्स है तो अतिरिक्त एजिंग के भी निशान है तो आप इस पैक का भी इस्तेमाल अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि कैसे हम मसूर की दाल से हमारी चेहरे की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं और हमारा चेहरा ग्लोइंग चमकदार बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।